और खबरों में आगे बढ़ते हैं छिंदवाड़ा की तरफ, जहां पर एसपी विवेक अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उमरा नाला चौकी में पदस्थ चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में उमरा नाला में पदस्थ पुलिसकर्मी राजकुमार बघेल, शिव अवतार, आदित्य नंदवार और संतोष चौहान को निलंबित कर दिया है। सभी निलंबित पुलिसकर्मी को रक्षित केंद्र छिंदवाड़ा में पेश किया गया है, जहां पर पुलिसकर्मियों को रोजाना अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और बिना बताए बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि थाना प्रभारी मोहखेड़ ने लिखित शिकायत करवाई थी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले भी सभी निलंबित पुलिसकर्मी अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों को सूचना कर देते थे। इन्हीं तत्वों के संपर्क में ये सारे पुलिसकर्मी रहते थे, जिन्हें निष्कासित कर दिया है। थाना प्रभारी मोहखेड़ द्वारा एक सूचना प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार उन्होंने अवगत कराया है कि चौकी उमरा नाला में पदस्थ कुछ जवानों द्वारा निरंतर अवैध गतिविधियों में लिप्त होना, उनको संरक्षण देने की सूचनाएं उन्हें प्राप्त हुई थी, जिसकी तस्दीक के उपरांत उन्होंने एक प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराया और उस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उन सभी चार जवानों को निलंबित कर दिया गया है।